हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम को और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। बच्चों, इस वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कह रहती है अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना एक्ट कर रही हो। अब नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस। अब अगर एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उसका सम जीरो है, यानी नेट फोर्स जीरो है, तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहां दो पॉइंट्स आपने देखने हैं। पहली बात कि कोई भी बॉडी जो एट रेस्ट होगी ना, वो इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरी बात क्या कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ना अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। पहली बात, कोई बॉडी रेस्ट पर है, मैंने बोला वो इक्विलिब्रियम में होगी। उसके ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होता है? जीरो होता है। मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है। उसके रिएक्शन के तौर पे टेबल एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। कैपिटल आर से मैंने इसको शो किया। तो बच्चों, एक्शन और रिएक्शन क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये बॉडी आपको रेस्ट पे दिखाई दे रही है, इसलिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, एक और पिक्चर ले लेते हैं हम। यहां पर देखिए, इस पिक्चर को हमने दो सपोर्ट से अटैच किया हुआ है बॉल के साथ। एक ये है, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, एक इस तरफ स्ट्रिंग के साथ अटैच है। अब देखिए, इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W से, और दो फोर्सेस को ऊपर की तरफ खींच रही है। ये जो स्ट्रिंग है ना, उसमें वो स्ट्रेच हो जाती है, उसमें टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, इसे हम टेंशन कहते हैं। इस तरफ भी टेंशन आ जाएगी, इस तरफ भी टेंशन आ जाएगी। इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं। अब देखिए, इस तरफ अप्लाई होने वाली फोर्सेस T1 T2 और डाउनवर्ड अप्लाई होने वाली फोर्सेस वेट, ये दोनों फोर्सेस ऐड होकर इसको कैंसिल कर देती हैं। तो क्योंकि ये एट रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रही, तो इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है? जीरो। तो ये दोनों फोर्सेस ऐड होके इस फोर्स वेट के इक्वल हो आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल कर देती हैं। ओके, अब आपने देख लिया कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर होती है वो इक्विलिब्रियम में क्यों होती है। अब दूसरी पॉइंट क्या है? बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में होती है। अब वो कैसे इक्विलिब्रियम में होती है? देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जो लफ्ज यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब वन, फॉर्म को मतलब शक्ल। आप इसको इजीली यूं भी कह सकते हैं, एक जैसा होना। आपके स्कूल के ड्रेस को यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है? सबका एक जैसा है, कलर एक जैसा है, ठीक है? तो सबकी ड्रेसिंग एक जैसी होने की वजह से हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, राइट? तो यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आप यूं ले लें कि ये एक जैसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम या वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को कम या ज्यादा नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब कैसे हम इसको कैसे देखेंगे, अभी आपको मैं समझाता हूं। देखिए, ये गाड़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है? हमने तो पढ़ा था कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई, सही है? देखते हैं, अब इससे और भी टर्म्स निकलती हैं। फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपने कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, लिख लिया यहां पर एफ इज इक्वल टू जीरो। अब न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कीजिए, एफ किसके इक्वल होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, मैंने रेफरेंस दिया साथ में, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इस एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब देखिए, यहां मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जीरो मिल रहा है। अब गाड़ी का मास तो जीरो नहीं है, आप देख सकते हैं गाड़ी का मास जीरो नहीं है, तो फिर क्या चीज जीरो है जिससे आंसर हमें जीरो मिला? मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल रहा है जीरो। तो या तो मास जीरो होगा या एक्सेलरेशन,
अब मास तो जीरो नहीं है, फिर जीरो क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो पता चला कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो ये भी एक पॉइंट माइंड में रख लें कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जीरो है एक्सेलरेशन, तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब एक्सेलरेशन से भी एक पॉइंट निकलता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, वी बाय टी वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। डेल्टा मीन चेंज, ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रही है इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये तमाम कंडीशन है जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। नेट फोर्स जीरो हो तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो हो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। देख लीजिए, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से, अब वो कितना होना चाहिए, जीरो, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अब एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसमें जीरो होता है। तो देखिए ये कंडीशन आपके पास मौजूद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। तो यहां पर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फिर से सुन लें, ये नेट फोर्स से हमने सारे केसेस निकाले, अगर नेट फोर्स जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो ये तमाम कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो फोर्स जीरो हो नेट फोर्स तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, उसी से ड्राइव किया अगर बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, उसी से ड्राइव किया इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो देन द बॉडी इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी फिर क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम जो अब देखिए जरा यहां पर फोर्सेस किस तरह इसमें बैलेंस होती हैं। ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका वेट क्या है W, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहां पर ग्रीन कलर से शो किया, ये एक एक्शन है। उसके रिएक्शन के तौर पे अर्थ एक अपवर्ड फोर्स लगाती है जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ये इसके अपोजिट है। अब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब वर्टिकली इनका दोनों फोर्सेस का सम जीरो हो गया। अब दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी इसके ऊपर एक्ट करती हैं। पहली फोर्स इसको इस तरफ ले जाने वाली, जिसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। अब जब गाड़ी इस तरफ मूव करती है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई होती है, वो इस तरफ को अप्लाई हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स इस तरफ को है। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। इस तरह वर्टिकल फोर्सेस का सम भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी जीरो है, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो जीरो है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कार इज जीरो, बट व्हेन इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम जो आपकी बुक में दो कंडीशन दी गई है उनको डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों बहुत आसान और सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। पहली कंडीशन क्या कहती है, कहती है अ बॉडी इज सेड टू बी सेड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेड ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है, अगर जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है, उसकी पहली शर्त है। दो कंडीशन हम पढ़ेंगे तो इसको मैथमेटिकली सिंपल ही हम लिखेंगे। मान लीजिए एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 करते करते सारी Fn तक सबको ऐड कर दो, उसका सम इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, पहली कंडीशन पूरी हुई। अब ये जो साइन हमने यूज किया है समेशन के, सिग्मा समेशन के लिए, सम के लिए यूज होता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सबका सम जो है हम लिखते हैं समेशन F, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या है जी, जीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। अब अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें हम सिंपल ये करेंगे कि तमाम एक्स कंपोनेंट का सम जीरो हो, तमाम वाई कंपोनेंट का सम क्या है, जीरो। ये हमारे पास फोर्सेस थी, एन नंबर ऑफ फोर्सेस, पहले हमने टोटल फोर्सेस ली थी। अब सिंपली इनके एक्स कंपोनेंट का सम जीरो लिख देंगे,
और y कंपोनेंट का सम जीरो लिखते हैं। देखिए F1x का मतलब है इस फोर्स का x कंपोनेंट F1x, F2x का मतलब है दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट। तो इन तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट ले लिए F1x, F2x, F3x, चलते चलते Fnx तक चले गए, तो तमाम x कंपोनेंट का सम कितना होगा? जीरो। सिमिलरली अब इसको आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने यहां किया था समेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। और y कंपोनेंट्स के बारे में क्या करेंगे, इन्हीं के आप y कंपोनेंट, f1 था उसका y कंपोनेंट क्या होगा, f1y, f2 का f2y, f3 का f3y, यानी साथ में x x x लगाया तो x कंपोनेंट आ गए, y y y लगाएंगे तो y कंपोनेंट्स आ गए। फिर इनको सम करेंगे, समेशन का सिंबल यूज किया सिग्मा, तो देखिए f1y f2y f3y चलते चलते fny इज इक्वल टू जीरो, तो लिख दिया सम ऑफ all the y component of the force is equal to zero आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट ये डिमांड करते हैं कि सर इसको एग्जाम्पल से समझाएं कंपोनेंट्स को, बुक में एग्जाम्पल नहीं गिवन, ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। ये एक पिक्चर है, इसको यहां से हमने इस तरह एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है और ये सपोर्ट है जिस सपोर्ट के ऊपर ये पड़ी हुई है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर ना टेंशन आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, ठीक है, इधर से यूं इधर से यूं, ठीक है, ये दोनों तरफ ऐसे टेंशन आ गई, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम होगा ना वो भी जीरो होगा। देखिए बच्चों हम इस टेंशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमने पढ़ा था अगर एक फोर्स एफ है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ एक्स जो अलोंग द एक्स एक्सिस है और एक एफ वाई जो अलोंग द वाई एक्सिस होता है। मैंने रेड कलर से दोनों कंपोनेंट्स को शो किया यहां पर, ओके, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। इसी तरह इस टेंशन के दो कंपोनेंट बना ले, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये टेंशन वन है तो इसको बोलते हैं एफ वन एक्स, और ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ वन वाई। इसी तरह ये टेंशन टू है, इसके भी दो कंपोनेंट्स बना ले, एफ टू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ टू वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए एफ वन एक्स इधर को है, एफ टू एक्स इधर को है, और मान लीजिए दोनों इक्वल है और इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को खत्म कर देती है, तो इन सम का सबका सम क्या होगा, जीरो। एफ वन एक्स एफ टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, F1x इक्वल है F2x के और एक दूसरे के अपोजिट भी है तो कैंसिल कर देती है, ठीक। दूसरे देखिए y कंपोनेंट, अब इसका F1y कंपोनेंट और F2y अलोंग द सेम डायरेक्शन है तो ये एड अप हो जाएंगे y कंपोनेंट्स, और वेट क्योंकि है ही वर्टिकली, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं तो ये खुद वर्टिकल है कंप्लीटली, तो ये वेट और ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो F1y plus F2y दोनों एड होके एक फोर्स बनेगी y along the y axis, और दूसरी तरफ वेट का y कंपोनेंट लिखा क्योंकि x तो उसका है ही नहीं, अगर आप सिंपली w भी लिखते हैं तब भी चलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी ये इनका सम गया वो जीरो होता है। अब हम बढ़ते हैं जी अपनी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि एक बॉडी के ऊपर जो अप्लाई होने वाले टॉर्क हैं उन सबका सम भी क्या होना चाहिए, सिंपली जीरो होना चाहिए। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो हो, तो फिर ये सेकंड कंडीशन है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमें, हमारे पास एक फर्स्ट इक्विजन फर्स्ट जो कंडीशन थी वो मौजूद थी, फिर हमें सेकंड की क्यों जरूरत पड़ी, चलिए वो देखते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इस तरफ से फोर्स लगाई F1, इस तरफ से फोर्स लगाई F2, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है और ये इक्विलिब्रियम में भी है, ओके, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और नेट ऑल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी भी जीरो है। अब एक और केस देखिए, अगर इस फोर्स को मैं यहां पर अप्लाई करूं इधर से ऐसे और दूसरी फोर्स को यहां से ऐसे, दोनों फोर्सेस इक्वल है अपोजिट भी है, जब अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये रेस्ट पर थी अचानक ऐसे टर्न कर जाएगी, इस तरह से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए जैसे फोर्स लगाएंगे ऐसे टर्न कर जाएगी, ये देखिए इस तरफ और यहां से इस तरफ बॉडी टर्न कर गई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो आप बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो खाली ये कह देना कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई, ये सही नहीं है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी,
इसलिए फिर एक और कंडीशन की जरूरत पड़ी कि अब बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले जितने टॉर्क है उनका सम भी जीरो होना चाहिए। अगर सम जीरो नहीं है तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, राइट? ओके, इसलिए फिर सेकंड कंडीशन बताई गई कि एक बॉडी जो है वो उस वक्त सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन को अगर उसके ऊपर अप्लाई होने वाले तमाम टॉर्क का सम क्या हो, जीरो हो। तो ये दो कंडीशन थी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाली नंबर ऑफ फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए और नंबर टू उसके ऊपर अप्लाई होने वाले नंबर ऑफ टास्क का सम भी जीरो होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।